नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल, आप देख रहे हैं होमियोगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आयुष डॉक्टरों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए बनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेदिक के डॉक्टर या यूनानी डॉक्टर या होम्योपैथी के डॉक्टरों पर अधिकांशतः अपनी पेथी से अलग हटकर दूसरी पेथी में प्रैक्टिस करने के कारण या अन्य किसी कारण से दबाव बनाने के कारण तहसीलदार, SDM या मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है अधिकांशतः छापामार कार्यवाही करते हैं। तो ये वीडियो जो है इसी विषय में बनाया जा रहा है ताकि आयुष डॉक्टर जो है वो अपने अधिकारों को समझ सके। दोस्तों, असल में आप शायद ये जानते नहीं है कि एक आयुष डॉक्टर पर ना तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ना ही कलेक्टर, ना ही तहसीलदार और ना ही SDM छापामार कार्रवाई कर सकता है। जी हाँ, शायद आप ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएं कि किसी जिले का कलेक्टर भी आयुष डॉक्टर पर छापामार कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि वह जो आयुष चिकित्सक है यदि किसी बोर्ड से पंजीकृत है, जैसे कि कोई होम्योपैथिक डॉक्टर जो होगा वो अपने राज्य के होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद से पंजीकृत होता है, ठीक इसी प्रकार आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टर भी अपने राज्य के आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा परिषद से पंजीकृत होते हैं। तो ये जो आयुष डॉक्टर हैं यदि ये किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए ये किसी दूसरी पेथी में प्रैक्टिस करते हैं या अपनी ही पेथी में लापरवाही पूर्वक प्रैक्टिस करते हैं, तब भी इन पर कार्यवाही करने का अधिकार केवल और केवल इनसे संबंधित चिकित्सा परिषद, चिकित्सा बोर्ड को ही है, बाकी कोई दूसरा इन पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। और ये जो व्यवस्था है ये मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की जो इंदौर खंडपीठ है इस कोर्ट ने व्यवस्था दी है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि यदि किसी राज्य की हाई कोर्ट किसी प्रकार का कोई निर्णय सुनाती है तो राज्य की समस्त प्रशासन को उस निर्णय को सुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और इसी के साथ दूसरा राज्य के लोग भी किसी अन्य राज्य के हाईकोर्ट के निर्णय को अपने यहाँ लागू करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें किसी भी राज्य की हाईकोर्ट वहाँ की राज्य सरकार से अधिक पावरफुल होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इंदौर हाईकोर्ट में एक केस दाखिल हुआ 5640/2011 नंबर, कोई डॉक्टर हिमांशु दत्त जी ने यह केस लड़ा था जिसमें उनकी जीत हुई थी, और उसमें हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि यदि कोई चिकित्सक किसी बोर्ड से पंजीकृत है तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार केवल उस बोर्ड को ही है, ना कि किसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी या किसी राज्य जिले स्तर के प्रशासन को। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो एक क्रम अनुसार होती है, जैसे कि तहसील स्तर का प्रशासन होता है, तहसीलदार होता है, SDM होता है, उसके बाद जिला स्तर का प्रशासन होता है जहाँ पर कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इस प्रकार के लोग आते हैं। तो दोस्तों, ये जो व्यवस्था होती ना, यदि आप किसी राज्य स्तर की व्यवस्था से जुड़े तो आप पर कार्यवाही करने का अधिकार केवल उस राज्य स्तर की व्यवस्था में जो प्रशासन आता है उसे ही है, कोई भी जिला स्तर की प्रशासन के अंतर्गत आने वाली व्यवस्था आप पर कार्रवाई नहीं कर सकती। जैसे कि हम एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं कि यदि कोई रेलवे में काम करने वाला कर्मचारी है, रेलवे चूंकि एक केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत आने वाली व्यवस्था है तो उस पर कार्रवाई का अधिकार केवल केंद्र से चलने वाली सरकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय ही कर सकते हैं। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री भी इस केंद्रीय रेल कर्मचारी का ना तो ट्रांसफर कर सकता है, ना ही उसे अपने पद से हटा सकता है। ठीक इसी प्रकार हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि चूंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर या यूनानी डॉक्टर आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा परिषद से संबंधित है, इसी प्रकार होम्योपैथिक डॉक्टर जो है राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद से संबंधित है, तो उन पर कार्रवाई करने का अधिकार इन राज्य स्तर के बोर्ड को ही है, इन राज्य स्तर के चिकित्सा परिषद को ही है। यदि आपको लगता है कि ये जो चिकित्सक है ये अपनी पेथी में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरी पेथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले आप उनसे संबंधित चिकित्सा परिषद को लेटर पहुंचाइए, उन्हें शिकायत कीजिए, फिर वह बोर्ड जो है वो अपने स्तर से कोई अधिकारी भेजेगा जिसके साथ मिलकर आप छापामार कार्रवाई कर सकते हो, वरना आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि इसके बारे में प्रमाण क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये जो लेटर दिखा रहा हूँ ये अभी अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को और समस्त पुलिस अधीक्षकों को जारी हुआ है। इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि ये देखा गया है कि हमारे बोर्ड से पंजीकृत जो आयुर्वेदिक और यूनानी के डॉक्टर हैं उन पर छापामार कार्रवाई की जाती है, परंतु यदि हाईकोर्ट की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से आप लोगों को ये सूचित किया जाता है, इन्हीं लोगों को, ये कलेक्टरों को, SPO को और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, इन लोगों को ये सूचित करते हुए लिखा गया है कि आपको यदि लगता है कि संबंधित डॉक्टर जो है वो अपनी पेथी से अलग हटकर एलोपैथिक में ट्रीटमेंट दे रहा है तो आप उसके बारे में हमें सूचित कीजिए और हम जो है उन डॉक्टर पर कार्रवाई करेंगे, परंतु आप उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते, और यदि ये कार्रवाई होती है तो ये सीधे सीधे हाईकोर्ट के अवमानना का केस है।
ठीक इसी प्रकार का एक लेटर लगभग 2-2.5 साल पहले मध्य प्रदेश राज्य होम्योपैथिक परिषद के द्वारा भी मध्य प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जारी किया गया था। परंतु दोस्तों अक्सर होता यह है कि आयुष डॉक्टर जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते, और कोई भी डॉक्टर जो होता है तहसील स्तर का हो चाहे जिला स्तर का हो वो छापा मारे कार्यवाही कर देता है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि आप किसी वकील से कांटेक्ट में रहिए, और ये जो लेटर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जो है निकलवा लीजिए और अपने क्लिनिक पर सेफ रखिए, ताकि जब भी कोई छापामार कार्रवाई होती है तो आप इस लेटर को उन अधिकारियों को बता सके कि भाई हाई कोर्ट ने जो है इस प्रकार का आदेश दिया है कि हम पर कार्रवाई करने का अधिकार केवल बोर्ड से बोर्ड के द्वारा जो व्यक्ति आएगा केवल उसे ही है, आप हम पर कार्रवाई नहीं कर सकते। आप उन्हें बताइए, आप किसी वकील की मदद लीजिए, किसी वकील से जो है कनेक्शन बना के रखिए, और जब कभी आप पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई होने का आपको लगता हो कि यार कार्रवाई हो सकती है तो आप संबंधित वकील को बुलाइए, और जो भी अधिकारी आया हो उसे हाईकोर्ट के इस आदेश के बारे में सूचित करिए। वकील जो है उन्हें बताएगा कि आपको तो इस प्रकार का अधिकार ही नहीं है। इसके बाद भी मान लीजिए संबंधित अधिकारी जो आता है जिले स्तर का, जैसे मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी है, वो आप पर कोई कार्रवाई करके चला जाता है, तो आप हाईकोर्ट के इस आदेश को कोर्ट में बताकर ये सिद्ध कर सकते हैं कि संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस प्रकार की कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है, और ये जो कार्रवाई की गई है ये नियम विरुद्ध की गई है। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि हाईकोर्ट ने ये निर्णय सुना चुकी है, ये केस जो है वहीं पर पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। साथ ही संबंधित चिकित्सा अधिकारी को ये जवाब देना पड़ेगा कि जब आपको अधिकार नहीं है तो आपने इन पर छापामार कार्रवाई की कैसे। आपको यदि लग भी रहा था कि ये जो है दूसरी पैथी से प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी पैथी के अतिरिक्त, तो आपको संबंधित बोर्ड से, जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर पर कार्रवाई होती है तो आपको जो राज्य होम्योपैथिक परिषद जो इनका बोर्ड है आपको उन पर सूचना भिजवानी थी, वो आकर कार्रवाई करते हैं। तो आप इस प्रकार अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहिए, इन लेटर्स को देखिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इन लेटर्स को हो सके तो कंप्यूटर के द्वारा इनकी कॉपी निकलवाइए और अपने क्लिनिक में सेफ रखिए, ताकि जब भी कोई अधिकारी आपके पास आता है तो आप इन लेटर्स को, हाईकोर्ट के आदेश को आप जो है उन अधिकारियों को बताइए, और बताइए कि यदि इसके बाद भी आप कार्रवाई करते हैं तो सीधे सीधे आप पर हाईकोर्ट की अवमानना का केस जो है वो हम लोग जो है कोर्ट में जाकर के आप पर हाईकोर्ट की अवमानना का केस लड़ेंगे। आप वकीलों से कांटेक्ट कीजिए, इस प्रकार आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए, क्योंकि अधिकांशतः यह होता है कि अधिकारों के बारे में जागरूक ना होने के कारण बहुत छोटे स्तर के अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम भी आयुष चिकित्सकों को डराते हैं, उन्हें भयभीत करते हैं। आपको भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अधिकारों के बारे में जानने की ज़रूरत है। दोस्तों ये स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए किस प्रकार से जो है आयुर्वेदिक परिषद के द्वारा ये लेटर समस्त अधिकारियों को जारी किया गया है। साथ ही 2-2.5 साल पहले जो होम्योपैथी परिषद जो है मध्य प्रदेश का, उन्होंने भी इसे सभी अधिकारियों को जारी किया था। और आप एक बात ये भी समझ लीजिए कि ये जो नियम है ये केवल मध्य प्रदेश में लागू, ऐसा नहीं है, किसी भी राज्य की हाई कोर्ट का जो नियम होता है वो अन्य राज्य भी अपने यहाँ लागू करवा सकते हैं, यदि अन्य राज्य जो है इस कोर्ट के इस नियम के बारे में जो अपने यहाँ सूचित करे तो। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये नियम दूसरे राज्य के आयुष चिकित्सक भी अपने यहाँ लागू करवा सकते हैं, अपने यहाँ की कोर्ट में जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस नियम के बारे में सूचित करके, इस नियम के बारे में बता करके कि मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने ऐसी व्यवस्था दी है। तो यदि मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है तो अन्य राज्य में भी इस नियम को लागू करना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको अपने अधिकारों पर यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा की तरह हमारे चैनल पर अपना प्यार इसी तरह बनाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।